यूपी के प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन शुरू होने वाला है। 15 जनवरी से मेला पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। संत महात्मा पंडाल में रहना शुरू भी कर दिए हैं। साथ ही प्रयाग नगरी में कुंभ की भव्यता को देखते हुए श्रद्धालुओं का आगमन भी शुरू हो गया है। देखिए ये काम करने वाले 114 पंडा हैं। ऐसे हमारी टाइटिंग है 1484 घर का, जो कि सबको जमीन मिला है। हाँ, हर पंडों का निशान अलग अलग लगा हुआ है, हर दरे किसका क्या है, किसका क्या है, किसका क्या है। बाकी वो लोग 12 महीना धंधा नहीं करते, वो जो और पंडे हैं ये माँ वाले, इनका सब एक ही महीने का धंधा होता है। जो श्रद्धालु आते हैं उनको आप पत्रा वाली कुछ ऐसा देते हैं कि जिसे मान लीजिए मैं आया तो मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हैं, तो कैसे उनको पता चलता है? तो उनको एड्रेस देते हैं फोटो बना के हम अपना। अच्छा, फोटो बना के नाम लिख के आपके पास है दिखाने के लिए? क्या देखेंगे आप बोलिए, कितनी पुरानी रेखाओं हैं आपको, तब भी कितने पीढ़ी तक बता तो दिया हम आपसे, 100 साल तक का पीढ़ी का क्या जोड़ेंगे आप? अच्छा बोले पीढ़ी का क्या जोड़ेंगे, बहुत पुराना है। दिखाओ दादा एक थे तो कहीं भैया देख लें, वो तो इनके खुद ही समझ में आ जाए। सबसे पुरान की निकाला, मेहनत करा जरा से। मेले के दौरान भी श्रद्धालु आते हैं खूब, इतना आते हैं कि हमारा रुपया से बोरा भर जाता है, और क्या कहें हम। हाँ देखिए, हमारे साथ संगम के तट पे पुरोहित, जो काफी इनके पीढ़ी मतलब इनके पिताजी के पिताजी लोग यहाँ ही संगम तट पे बैठे रहते। आज उन्होंने बताया कि मतलब कई पीढ़ियों का जो दस्तावेज है, लेखा जोखा है, इनके पास है। अब कुंभ हो या माघ मेला हो या महाकुंभ हो, लेकिन श्रद्धालु अपने ही पुरोहित के पास आते हैं और यहाँ पे सारे कार्यक्रम करते। प्रयागराज से सुमित यादव, ETV भारत।